लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का था, वो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्करा कर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका, उसके लड़की को प्रजोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ में नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वो दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते होंठों से उसे खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको आपको हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं। कभी हम गलत तो कभी साथ ही गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत, पर क्या प्यार गलत होता है। नहीं तो मित्रों, प्यार करो लेकिन खिलवान मत करो।